अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके पास स्कूल्स की रीओपनिंग से मुतलिक आपको एक अहम खबर देंगे। उसकी रीओपनिंग से मुतलिक मुख्तलिफ एसओपीज को सेट किया गया है और ये खबर चल रही है कि जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं उन तमाम की जो टाइमिंग्स होगी उससे लेके 1 PM होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एक दिन आएंगे उनको सेकेंड डे स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक दिन अगर स्टूडेंट्स आते हैं दिन उन स्टूडेंट्स को दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय पाया है कि ना कोई असेंबली, कोई फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि वजीर तालीम ने स्मार्ट सिलेबस जारी किया है, ये भी कहा गया है कि सिर्फ 40% सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके जो एग्जाम्स लिए जाएंगे वो आपके एग्जाम्स उन्हीं 40% सिलेबस से लिए जाएंगे जो आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा। अब एक अहम खबर ये आई है कि 14 सितंबर को मैट्रिक का पंजाब बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाना था, जारी नहीं किया जा सका, वजूहत स्पेशल एग्जाम्स बताई जा रही। एक्सपेक्टेशन ये है पंजाब बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट अब सितंबर के एंड तक पोस्टपोन हो सकता है। रिजल्ट की जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूल्स रीओपन, प्रमोशन पॉलिसी, बोर्ड एग्जाम्स, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।